हेलो एवरीबॉडी, आई एम उमेश अरोरा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. मिस्टर कपिल, आई हैव रेड योर क्वेरी. आपने पूछा है क्या मध्य आदमी जो दो शादी वाले परिवारों की मध्यस्थता करने पर यदि शादी के बाद दो परिवारों में आपस में मनमुटाव होने लगे, झगड़े होने लगे, तो दो परिवारों का परिचय कराने वाला व्यक्ति भी दोषी होता है क्या? मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसमें कि ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि जिस आदमी ने कंप्लेंट लिखवाई है उसके FIR में आपके अगेंस्ट क्या एलिगेशंस हैं, क्या आरोप हैं. अब उन आरोपों के आधार पर ही ये सिद्ध किया जा, वो क्या सिद्ध कर सकता है, उसके पास आपके खिलाफ क्या सबूत हैं. अगर ये बातें हैं तो आपको भी उसमें दोषी पाया जा सकता है, जो भी इंसान मध्यस्थता करने वाला है. लेकिन अगर आपने या जिस इंसान के लिए भी आप पूछ रहे हैं उसने अगर सिर्फ मध्यस्थता की है, दो परिवारों को मिलवाया है, दोनों का रिश्ता करवाया है, तो उसका कोई दोष नहीं है. अब ये देखना पड़ेगा कि उनके मध्य में झगड़े किस बात को लेकर के हो रहे हैं, क्या उनके एलिगेशंस हैं, एक दूसरे के प्रति उनकी क्या परेशानियां हैं. फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये मध्यस्थता करने वाले के खिलाफ पर्टिकुलरली उसके खिलाफ क्या एलिगेशन है. लेकिन आम तौर से किसी भी मध्यस्थता करने वाले के खिलाफ कोई दोषी दोष नहीं होता है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है. अगर दो परिवारों में आपस में नहीं बन रही है तो उनके क्या कारण हैं, उनके ऊपर ये सब बातें डिपेंड करती हैं. मेरे पास एक केस आया था, मुझे याद आ रहा है, उसमें भी इसी तरीके का लगभग केस था वो, और दोनों परिवारों में आपस में शादी के बाद नहीं बन पाई, कुछ उनके अपने कारण रहे होंगे. लेकिन जिस व्यक्ति ने इसमें मध्यस्थता करवाई थी, परिवार वाले जब परेशान थे तो लड़की वालों ने जो FIR लिखवाई उसमें मध्यस्थता करने वाले के खिलाफ भी सीरियस एलिगेशन लगा दिया. उसमें ये बताया गया कि भाई इसको इस बात, जो लड़की ने ये आरोप लगाया कि जो उसका पति है वो इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर पुरुषत्व नहीं है, जिसकी वजह से उनकी शादी में झगड़े हुए, शादी नहीं चल पाई और अल्टीमेटली उनको ये FIR करवानी पड़ी. FIR करी तो जिसने शादी करवाई थी, जो मध्यस्थ थे पंडित जी, उनको भी उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाए. और आगे चल करके उन्होंने इस बात का सबूत भी दिया कि पंडित जी को इस बात की पूरी नॉलेज थी, शादी करवाने से, हमारी दोनों परिवारों की शादी को तय करवाने से पहले, रिश्ता करवाने से पहले उनको इस बात का ज्ञान था कि लड़का इम्पोर्टेंट है, लड़के के अंदर कमी है. इसके बावजूद उन्होंने उस कमी को छुपाया, लड़की वालों को नहीं बताया. और जब ये बात अल्टीमेटली कोर्ट में आई और लड़की वाले इस बात को बताने में और इसका सबूत देने में सक्षम थे, उन्होंने इस बात का सबूत दिया, उनकी कोई पुरानी कन्वर्सेशन उनके हाथ लग गई थी, तो जिस वजह से बीच में मध्यस्थता करने वाले पंडित जी भी पूरी तरह से दोषी पाए गए और उनके ऊपर भी सेक्शन 34 एंड 120B की धाराएं उनके ऊपर अप्लाई करी और उनको दोषी पाया गया. फिर भी अब आपका क्या केस है ये आपकी FIR के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप अपनी FIR हमको बताएं, हम उसको पढ़ें, उसमें एलिगेशंस को देखें, तो उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और हम आपको ईमानदार राय दे सकेंगे. और कुछ पूछना हो तो आप हमें फिर पूछ सकते हैं. आपको इस बात की स्वतंत्रता है, आप अपनी क्वेरी फिर से भेजिए, आपका स्वागत किया जाएगा, आपको जो सही चीज है वो बताई जाएगी. थैंक यू, धन्यवाद.